और आज मेरी जो वीडियो है ये तीन चार चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होगी। एक, मैं इसमें इंटरव्यूज ले रहूँगा लोगों का और अपना, इसके अलावा दूसरा मेरे हाइकिंग से रिलेटेड जो भी इस लोग आते हुए गलतियाँ कर रहे हैं वो मैं पिन पॉइंट कर रहूँगा इस वीडियो के अंदर। तो आप मेरी जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप जब हाइकिंग करते हैं तो क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, वो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी जो हाइकिंग है वो हाइकिंग का सफ़र जो है बहुत अच्छा और बेहतर रहे, ताकि आपको कोई मसला ना आए और हाइकिंग आपकी एंड तक और शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी अच्छी रहे और आपका जो सफ़र है अच्छा रहेगा। तो तब आप फिर दोबारा मोटिवेशन होगी और फिर दोबारा आप वापस आएंगे हाइकिंग के ऊपर। तो आगे मेरी आप हाइकिंग देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक एक चीज़ देखिएगा। मे भी जब आप हाइकिंग के ऊपर जाएँ तो शायद आपको जब आप चीज़ देखेंगे तो शायद आपके आप रिकॉल करेंगे और मे भी वो आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का उस वक्त सोल्यूशन बन जाए। तो इसलिए हाइकिंग को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके अलावा भी आप आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपके लिए रहनुमाई करती रहें। शुक्रिया। अल्लाह के मुफ्त दिए हुए तोहफ़ों की कदर करें। अगर उनकी कदर करनी है तो आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, हाइकिंग और ट्रैकिंग। जी अस्सलाम वालेकुम, हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर कैंपस से तशरीफ़ लाए हैं। तो इधर हमें हाइकिंग का मौका मिला ट्रायल 3 पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्राउज़र वगैरह में आ रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि हमने हाइकिंग भी करनी है। मुझे ये था कि हमने मंगला जाना है और दूसरी जगह पर जाना है, तो मैं ऐसे ही फॉर्मल ड्रेसिंग करके आ गया, जैसे खेड़ी पहन ली और ऊपर से काटन वाला सूट। तो इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है जूते की वजह से। तो आप कोशिश करिए कि आइंदा आप हाइकिंग वाले ग्रिप वाले शूज़ पहन के आएँ। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, शुक्रिया आपका और दूसरे लोगों को मोटिवेट करने का, थैंक यू। कि वैसे लगा कैसे है हाइकिंग करने के बाद, आप क्या महसूस कर रहे हैं? अभी तो थोड़ी थकन महसूस हो रही है, नीचे जाके भी देखेंगे क्या होता है। क्या ये एक्टिविटी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और ये क्या मर्दों की गेम है या नहीं? हर किसी की गेम है, जिसमें स्टैमिना है वो कर सकता है। और अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर के जो आज़ाद अतर दिए हुए हैं उसका क्या हाल होगा? वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, बहुत सारे मसल्स ऐसे जो एक्टिव नहीं हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम मोस्टली ऐसे होता है कि एडिक्शन हो जाती है, हमें बैठ के पढ़ते रहते हैं, निकलते नहीं बाहर। अब निकले हैं तो पता चल रहा है कि एक हिंसा जिस्म का वो एक्टिव हो रहा है। ठीक है, यही मैं लोगों को बताना चाह रहा था और साबित करना चाह रहा था कि लाहौर से आई हुई है टीम और देखें इन्होंने जब फर्स्ट टाइम इन्होंने हाइकिंग की है तो उसके बाद वो क्या, यानी कि मैंने इनको बताया नहीं है, इन्होंने खुद अपना जो अंदर जो महसूस इन्होंने किया हाइकिंग के दौरान वो इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया है। इसके बाद मेरे अल्फाज की कोई अहमियत नहीं रह जाती क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पर हाइकिंग के, और उन्होंने अपने अल्फाज से बता दिया है कि हाइकिंग आपके जो अल्लाह ताला ने मुफ्त तोहफे दिए हुए हैं उनको जंग लगने से बचाता है और आपको सदा बाहर रखता है। जी शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। जी ये हाइकिंग वाले जो बूट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ये जो है इनकी जो सोल है बहुत छोटी है और सॉफ्ट है, तो जितने भी पत्थरों के ऊपर से गुजरते हैं तो वो चुभते हैं पैरों में। तो प्लीज़ मोटी सख्त सोल वाले जूते ट्रैकिंग वाले यूज़ करें और अपना गेयर पूरा करके। बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी। क्या बोल रहे हैं जी? आपने चप्पल पहनी हुई है, क्या ये हाइकिंग के लिए ठीक रही है आपके लिए? मेरे लिए तो ठीक रही है, ज़्यादा मेरा पाँव स्लिप नहीं हुआ, बस एक दो जगह पर था कि केयरलेसनेस की वजह से मेरा थोड़ा सा पाँव मुड़ा है, जिस वजह से मोच का थोड़ा खतरा है, उसका ख्याल रखें। तो ग्रिप अच्छी थी जूते की, मैं तो बड़े मज़े से ऊपर गया, कंफर्टेबल भी था, ना पैर ज़्यादा गर्म हुए ना सर। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपका पैर मुड़ा है जी, तो उसके बाद अगर पैर मोच आ जाती तो फिर आपके आगे क्या हाल होता? फिर मेरे दोस्त आए थे, दोस्त है ना, वही उठा के लेके जाते हैं मुझे। तो अच्छा, आप हाइकिंग का शूज़ है कि वो आपको मोच होने से बचाता है, जिस तरह ये देखें लॉन्ग है, तो आपको भी एक पूरी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट असल में मेरी इन्वेस्टमेंट घड़ी में पड़ी हुई है, मैं वहाँ से शूज़ उतार के चप्पल पहन के। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, हम आए ट्रेल 3 पे और हाइकिंग के दौरान हमें मिला एक बहुत प्यारे से अंकल जो कि हाइक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम फारूका। अच्छा, तो आपकी एज क्या है? 48। आपको हाइकिंग करते हुए कितना टाइम हो गया? यार मैंने FSC 1992 के बाद
मेरा जो मोटिवेशन है मेरे वादी साहब है जी, क्योंकि वो हमें ट्रैक 3 के ऊपर लेके आए थे। अच्छा। और तब से मैं जैसे अपने लाइफ के अंदर मैंने अदर जो नेगेटिव एक्टिविटीज के बजाय मैंने अब तकरीबन 3 स्पोर्ट्स खेली हैं, उनको करने के बाद अब मेरी सिर्फ एक ही एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी है जो कि मैं दिल से कर रहा हूँ और उसको कंटिन्यू बरकरार रखा हुआ है, वो है हाइकिंग। और अच्छा। ये ट्रैक 3 के ऊपर देखें मैं हर हफ्ते यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे, और ये 12 किलोमीटर बन जाते हैं मेरा आना और जाना होता है। तो इसका मेन बुनियादी मकसद जो है हाइकिंग का कि अल्लाह के दिए हुए मुफ्त तोहफे, बेशक आप कहते हैं जिस्म के अंदर हैं या बाहर हैं जी, जब तक आप इनको एक्टिव नहीं करेंगे, इनके लिए एक्सरसाइज फ्राम नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी सवारिया निशान हो जाएगी। अच्छा, हम देखते हैं आपकी एज के जितने भी मर्द हैं या जितने भी बूढ़े लोग हैं वो तो नॉर्मली खुंडी है ऐसी चीज़ रख के उस पर चलना शुरू हो जाता है, आपको देखते हैं मोटिवेशन मिलते हैं। आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है और आप इस एज में भी इतनी बड़ी हाइक क्लियर कर, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक सीधी चढ़ाई है और 12 किलोमीटर की स्ट्रेट अवे चढ़ाई है, आप कैसे ये सब कुछ कर लेते हैं? देखिए बात सुने, एक है अल्लाहु अकबर, बेशक अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ये सब चीज़ इसको कर दिया, क्या नाम आप इसको प्रॉपर वर्ड देंगे, इसको इसको जहर कर दिया इंसानों के लिए। इंसान जब अपने दिल से कह ले कि मैंने इसे करना है तो आप कर जाते हैं, लेकिन मैदान और पहाड़ की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होती है। बेशक जब आप मैदान में होते हैं तो आप तेज़ भी चल सकते हैं और आप दौड़ भी सकते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ के ऊपर आते हैं तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपकी कछुए की तरह होनी चाहिए, स्लो स्टडी और बैठ के, जैसे मैं अभी बैठा हुआ और सामने आप देखिएगा कि यहाँ पे कितना प्यारा नज़ारा है। तो मैं यहाँ पे जब आता हूँ तो यहाँ पे फिर बैठता हूँ और फिर इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को इंजॉय करता हूँ, और इसके अलावा मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ और वीडियोज़ करता हूँ, और फिर आप लोग जैसे नौजवान हैं इनके साथ गपशप में मैं करता हूँ और आपस में इंट्रैक्शन होती है यंगस्टर्स और ओल्ड एज के अंदर, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा बंदे को खुशी मिलती है, क्योंकि जब बंदा सफ़र कर रहा होता है तो आपको जो ज़हनी है ना आपको उसको भी आपने चेंज करना है। जब आप थकावट का शिकार होते हैं तो आपको अंदर के जो जाविया है ना सोचने का उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो जब मैं फिर यंगस्टर्स के साथ चैट करता हूँ, इससे गपशप करता हूँ, तो उसके बाद मेरे पास वापस एनर्जी आ जाती है और मैं फिर दोबारा मोटिवेट हो जाता हूँ। नाइस। आपको क्या लगता है बाकी जो स्पोर्ट्स हैं इंडोर या आउटडोर उसके अलावा जो हाइकिंग है दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है और कौन सी ज़्यादा सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है? या मैं जो अभी कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं एक एज आ चुकी है मेरी 40 ऊपर हो चुकी है जी, तो मुझे अब उस तरह की एक्टिविटीज ज़ेहन नहीं देती कि मैं आने के मतलब है कि उछल कूद करूँ या कुछ दौड़ने के मतलब है कुछ जो भी है करूँ, मुझे अब अपनी आगे जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी रखनी है जो कि यानी कि मैंने कि जो स्लो एंड यानी कि मैं चलता रहूं, जिसमें चलता रहूं और मेरे जो अंदर के जो आज़ा हैं उनकी एक्सरसाइज होती रहे। तो उस लिहाज से अब जो मेरी एज है तो इस लिहाज से मुझे जो सूट कर रही है वो ये हाइकिंग है सूट कर रही है। बाकी जो जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो गेम्स वगैरह फुटबॉल क्रिकेट हॉकी फुटबॉल रनिंग ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। करने के बाद अब क्योंकि मेरे पास मैंने एक नेचर को भी इंजॉय करना है, कुदरत को भी इंजॉय करना है और अपनी सेहत को भी मेंटेन करना है और चलना भी है और मैंने एक अब ऐसी सोच रखनी है कि जिससे मेरे वो ऐसी एक्सरसाइज हो जिससे मैं यानी कि कुदरत को भी इंजॉय कर सकूं और मेरी बॉडी जो है वो भी मुस्तफीद हो सके। तो उसके लिए बाकी की जगह मुझे अब हाइकिंग बेहतर लग रही है, इसलिए मैं हाइकिंग को ज़्यादा हफ्ते वाले एक हफ्ते में एक दिन देता हूँ इसको ताकि मेरी पूरी ये एक्सरसाइज हो जाए। अच्छा अच्छा, अब आपको हाइकिंग करते हुए इतना टाइम हो गया, आप आम लोगों को जो पर्सन फर्स्ट टाइम आता है ये जो बाद में आते रहते हैं लेकिन कंटिन्यूसली उन्हें पता नहीं चलता हाइकिंग के टाइम क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कुछ होते हैं आते आने से पहले पानी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं ताकि ऊपर जाते हुए मैं थकूँ ना, कुछ होते हैं बिल्कुल सांस चढ़ जाता है बैठ के ज़्यादा सारा पानी पी के फिर चलना शुरू करते हैं, कुछ होते हैं हल्का हल्का पानी पिया बैठे चलते चलते उन्होंने हाइकिंग कम्प्लीट की, आपको क्या लगता है कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है और कौन सी आपके सेहत के लिए मोस्ट है, आपकी सेहत को नुकसान दे सकती है जैसे आपको एकदम सांस चढ़ाओ आप ठंडा पानी पी लें, तो ये चीज़ें कैसे इंसानी सेहत को इफेक्ट करती हैं, अब इस चीज़ का साइड इफेक्ट भी है इस चीज़ का एडवांटेज भी है, आप इसको कैसे देखते हैं? या मैं इसको आपको एक और जाविया देता हूँ सोचने के लिए, रमज़ान का महीना है ना जी जी, सुबह से लेकर आप शाम तक चाय पिए बगैर रह सकते हैं बेशक, तो जब पहाड़ के ऊपर आए ना यहाँ पर जी, क्योंकि आपने पूरा हफ्ता खाया पिया सब कुछ हुआ होता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने अंदर ये जो मेंटली इसके ऊपर कोई स्ट्रेस ना करें, इसके ऊपर कोई फोकस ना करें, आप ये समझें
कि मैं नाश्ता थोड़ा सा हल्का फुल्का करें, पानी शानी चाय वगैरह पी के आप आएँ यहाँ पर, और खाना पीना फिलहाल जेहन से निकाल लें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसा खेड़ है, मर्दों का खेड़ है कि इसके अंदर आप पानी पिए ना, इसके अंदर खाना पिए ना, कुछ और करें। हाँ, जब आपको ऐसी स्टेट आ जाए कि यार बर्दाश्त नहीं हो सकता, तब आप पानी का हल्का सा घूंट लें। अच्छा, उसके बाद ये गेम है यार, एक खेड है जिसको आपने इसके अंदर मुख्तलि सोच के रखनी है। ठीक है, मतलब है कि आपने इंजॉय करना है, क्रिएटिविटी पैदा करनी है इसके अंदर, और आप जब इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपके अंदर जो है ना आपका जिस्म वो तैयार भी होना शुरू हो जाएगा, और वो एक किस्म का फाइटर जिसे कहते हैं ना, जिस्म आपका लड़ना जान लेगा कि मैं पानी खाए पिए बगैर भी अपनी मंजिल तक पहुँच सकता हूँ, 12 किलोमीटर जो है मैं खाना पिए बगैर भी वहाँ तक जा सकता हूँ। तो जब आप ये 1-2-3 दफ़ा शुरू में मुश्किल पेश आएगी, लेकिन जब आप ये कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आपको खाना पीना ट्रैक के अंदर भूल जाएंगे और आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं फिर ट्रैकिंग को नजर रख में रखता हूँ। एक हाइकिंग है, हाइकिंग मैं आपके क्वेश्चन के बाद एक और यहाँ पे जवाब भी देना चाहूंगा जी जी, कि हाइकिंग और ट्रैकिंग, हाइकिंग की एक्सट्रीम जो लेवल है वो ट्रैकिंग है। ठीक, तो मैं हाइकिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आपको उस ट्रैकिंग की जो सख्ती है उसको बर्दाश्त करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ जी, और हर तरह के एक्सपेरिमेंट करता हूँ ताकि मेरा वो जो सफ़र है वो कामयाब रहे उसके अंदर। बाकी तो अल्लाह ताला सबुल सबाब है, लेकिन बंदे को पहले तैयारी रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं घर से निकलते हुए बहुत मोटिवेट होते हैं कि मैं पूरा हाइक ट्रैक पूरा करूंगा, बीच में आते हैं सांस चढ़ा और बस वापस चले जाते हैं। आप उनके भाई में क्या कहेंगे, या उनको मोटिवेट करने तो कैसे करेंगे उसके लिए? या मैं यही कहूंगा, देखें अगर वो सोलो करते हैं तो कुछ देर के बाद आते हैं यहाँ पर, तो पहली तो बात है कि उनकी स्टडी शायद गलत हो, तेज चलते हो, दौड़ते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, और क्योंकि साथ कोई नहीं है, उनको मोटिवेट करने वाला नहीं है, तो नतीजा ये होता है जो आप कह रहे हो। एक सिनेरियो हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है अगर अक्लमंद होंगे ना तो सोलो के साथ देखेंगे, तीसरा आपके साथ है, आप जिस तरह दोस्त यार इस तरह के यानी कि जो होंगे जो कि साथ चल रहे होंगे, उनके गप्पे मारना शुरू कर देंगे, उनको अपने साथी बना लेंगे, और फिर उन्हीं के साथियों के साथ वो उनको मोटिवेट करेंगे, ये उनको मोटिवेट करेंगे, और एक सफ़र और कारवां बन जाएगा, और जो अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाएगा। एक चीज़ दूसरी ये है कि आपने यहाँ पे आके ये नहीं समझा कि ये फटीग है, आपने इसको इंजॉय करना है। जिस तरह एक गेम है, ये गेम है जिस तरह आप कोई आप गेम्स खेलते हो ना, दूसरी गेम्स खेलते हो तो उसके अंदर आप चिट चैट करते हो, बोलते हो, एग्जॉस्ट करते हो अपने आपको, मतलब बोलते हो, ऊँचा बोलते हो, अपने एक्सप्रेस करते हो जिस तरह, ताकि आप अपने जो जहन के ऊपर जो चीज़ सवार रहती है ना कि यार मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। जब ये चीज़ ख़त्म होगी तो फिर आप दोबारा जर्नी के लिए तैयार हो जाओगे। अच्छा, आप ये कुछ सिनेरियोज हैं जो कि मैंने आपको, ये इसके अलावा सिनेरियोज हो सकते हैं लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो है जिसकी वजह से लोग आप ही चाहते हैं, मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि अगर वो बच्चे जो मोटिवेटेड नहीं होते उनको चाहिए कि अपने दिमाग को डाइवर्ट करें, ज्यादा ध्यान कि वो ये सोचें कि मुझे इतना ऊपर जाना है तो मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ, तो वो माइंड को डाइवर्ट करें और अपने जो आस पास कोलीग्स हैं उनको देखें, उनके साथ इंजॉय करते हुए ऊपर जाएं। बिल्कुल इसी तरह इंजॉय करना चाहिए। और दूसरा खराम है यार, क्योंकि मंजिल फर्स्ट टाइम आप आए तो आपको मंजिल का पता नहीं है, जब आपको मंजिल का पता नहीं है तो आपको स्लो एंड स्टडी और आराम आराम से जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी होता है। अगर आप 9-10 बजे यहाँ पे आते हैं ट्रैक 3 के ऊपर तो आपके पास काफ़ी टाइम है कि आप उसको स्लो एंड स्टडी बैठ के और नेचर को कुदरत को इन्जॉय करते हुए करते रहना चाहिए, और साथ बाकी आपके दोस्त यार होंगे, दोस्त भी हो सकते हैं आपके पास, दूसरे भी होंगे पाकिस्तान में फॉलो, आपके भाई भाई ही हैं ना, बेशक तो आपके पास, तो आप उनके साथ गपशप करें या ये यानी कि सोशल है एक्टिविटी, सोशल भी एक्टिविटी है ये, सारी गेम आपकी ये सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि आप सोचते किस तरह, जाविया आपका सोचने का क्या है। जब तक आप अच्छा सोचेंगे नहीं आपके साथ अच्छा नहीं होगा, और जब आप अच्छा सोचेंगे तो हर चीज़ अच्छा होना शुरू हो जाएंगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप आने वाली यूथ को कैसे मोटिवेट करते हैं या उनको क्या कहना एडवाइस क्या देना चाहेंगे? मेरे यहाँ सबसे एक बुनियादी एडवाइस है कि आप, मैंने जो चीज़ देखी है लिविंग स्टाइल हमारा बहुत तब्दील हो चुका है। लिविंग स्टाइल के अंदर आपकी जिस्मानी, जब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप आते हैं तो आप सिर्फ दो चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं, या तो अपना काम होता है या फिर आपका फैमिली होता है। ठीक है, और उसके बाद जिस्मानी, आप अपनी जिस्मानी जो है सराहित उसको उससे यानी कि आप कटा ताल्लुक होना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, हॉस्पिटल में देखा है आपने जी जी, आप एक दफ़ा हॉस्पिटल जाके विजिट करें सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात और रात के बाद दिन तक, वो हमारे लिविंग स्टाइल है, हमारा लिविंग स्टाइल है वो अकासी कर रहे हैं कि हमारे हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस लेके आना पड़ेगा ताकि हम जिंदगी को इंजॉय कर सकें।
हफ्ते का एक दिन जो होता है, हफ्ते में जितना भी पूरा दिन है उसके अंदर एक दिन रखिएगा हफ्ते वाले दिन, फैमिली को लेके आए, फैमिली को लेके आएंगे तो उनके साथ आपका इंट्रैक्शन होगा, आप गपशप करेंगे और इन्जॉय करेंगे, तो बहुत फ़ायदे हैं इसके हाइकिंग ट्रैक के। ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद आप देखें, आपको मरी और दूसरे जाने जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मरी से भी बहुत खूबसूरत जगह है जो कि आपको चंद मिनटों के ऊपर, अगर आप इस्लामाबाद में रावलपिंडी में रहते हैं आपको आना चाहिए यहाँ पे, आपको यहाँ से मरी से भी बेहतर माहौल मिलेगा जब आप आएंगे, और फैमिली आपका बॉन्ड रिश्ता जो है ना आपस में और स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एक अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है, इसे कहते हैं हाइकिंग। और ये तो इस्लामाबाद के लिए ब्लेसिंग है, मैं तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों को कहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी हुई है मागरा हिल्स की शक्ल के अंदर, और ट्रैक 3 ट्रैक 5 और ये सारे दिए हुए हैं, तो इतना दूर जाने के बजाय कोशिश ये करें एक मुस्तकिल मजाजी के साथ मागरा हिल्स के ऊपर आते जाएं, और ट्रैक 3 जो है ना हफ्ते में एक दिन रखिए अपनी अपने लिए, इससे ये होता है बहुत से मुस्बत एनर्जी मिलेगी और आपके अंदर ज़िंदगी के अंदर भी बेहतर आना शुरू हो जाएगा, और जब आपका लिविंग स्टाइल आपका तब्दील होगा तो आपकी बॉडी जो है इसमें भी अल्लाह ताला का करम होगा, जब अल्लाह का करम होगा तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, ये गड्डी खर खर की तरह नहीं चलेगी, ये गड्डी रवान धुआँ होगी और हेल्दी लाइफ गुजारेगी। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट दिस टाइम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया शुक्रिया। जी एक सेकंड जी, बस मेरा खैर जो मैसेज है, एक शॉर्ट सा मैसेज मैं बताऊंगा कि यूजुअली हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर और जो आजकल वो है कॉर्पोरेट कल्चर है, बाकी जो हम जॉब्स वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके अंदर हमारा फोकस अपनी जो बेसिकली हेल्थ के ऊपर नहीं होता, जो कि इन द लॉन्ग रन इशूज़ वगैरह बन जाते हैं, तो इसलिए मेरा सबके लिए मैसेज है कि कम अज़ कम फोकस करें अपनी हेल्थ के ऊपर, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है जैसे हम बाहर देखते हैं उनकी लाइफ स्पैन और मतलब वो तो चलो अल्लाह ताला की उसमें होता है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमारे मतलब उसमें है, कंट्रोल के अंदर है, तो वो बेहतर करनी चाहिए मतलब फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, और उस लिहाज से अगर हम बाहर की बात करते हैं तो बाहर लोग इसलिए बेहतर हैं क्योंकि वो उनका जो लाइफ स्टाइल है उन्होंने एक साइज को एज अ नॉर्म बनाया हुआ है, और हम क्या है, हम खाना पीना तो हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है लेकिन उस लिहाज से हमारी कंजम्पशन और वो नहीं है, तो इसलिए मैं सबको मैसेज ये देना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना ख्याल रखें फॉर योर सेल्फ एंड फॉर ऑल्सो फॉर योर फैमिली। थैंक यू। ये देखें अगर आप हाइकिंग के शूज़ के अलावा आएंगे तो इस तरह की हालत हो जाएगी, इसलिए कहते हैं कि हाइकिंग और ट्रैकिंग का अलग शूज़ होता है। ये देखें अगर आपने आपको बचाना है और सफ़र का अच्छा करना है तो प्रॉपर हाइकिंग शूज लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, हम बेसिकली वी आर ऑन ट्रेल 3, ठीक।
सो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा स्टीपी फ्लोर है, रफ सर्फेसेस है, ठीक है। सो जब आप लोग यहाँ ट्रैक पर आते हैं तो मेक श्योर कि आपके जो शूज हैं दे वुड बी हाई वेस्टेड, ठीक है, हाई सोल्स हों, ठीक है, और सेकेंडली उनके रफ सोल्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी हो और आप ईजिली वॉक कर जाए बगैर किसी फुट इंजरी के लिए, बगैर किसी और इशूज के, और आप एक हेल्थी वॉक कर जाए। अदरवाइज अगर आपके बहुत प्लेन शूज होंगे तो आपके फुट इंजरीज हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप ना आगे वॉक कर सकते हैं और ना आप अपना ये ट्रेल इंजॉय कर सकते हैं। तो व्हेन यू कम अपनी प्रॉपर क्लोथिंग के साथ, प्रॉपर शूज के साथ आया करें ताकि आपका एक हेल्दी वॉकिंग हो। दैट्स इट, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे तकरीबन रास्ता कंप्लीट हो रहा है लॉन्ग ट्रैक पे। ये देखिएगा, ये लॉन्ग ट्रैक है, ट्रैक 3। मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ और अपनी फिनिशिंग लाइन मनाइल की तरफ करीब रह गया। देखिएगा, यंगस्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर और एंजॉय कर रहे हैं हेल्दी यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखिएगा, एंजॉय कर रहे हैं। कैसा रहा? अच्छी हवा मिल रही है, ठंडी हवा। मरी से बेहतर है कि नहीं है ये स्पॉट? ये स्पॉट बहुत बेहतर है। मरी से बेहतर है कि नहीं है? ठंडा है, ठंडी ठंड हो रही है यहाँ पर, हवा भी चल रही है। ये देखे, और कोई पॉल्यूशन भी नहीं है यहाँ पर। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों के लिए ब्लेसिंग है मार्गा हिल्स ट्रैक 3। एट द एंड ये सामने मनाल आ चुका है। ये रहा मनाल, और देखें लश ग्रीन। ये जा रहा है, ये उधर पिक्चर आएगा।